हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अब पानीपत की जहां से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल अवैध कॉलोनी में कांग्रेस विधायक धर्मवीर सिंह छोकर की कोठी शामिल थी, लेकिन अब ये फाइल शहरी निकाय विभाग से लापता हो गई है। इस मामले में शहरी निकाय के प्रधान सचिव ने लोकायुक्त से 15 दिन की मोहलत मांगी है। वहीं लोकायुक्त की जांच में नगर पालिका समालखा के 5 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साथ ही लोकायुक्त ने पानीपत के 3 तत्कालीन डीसी और वर्तमान डीसी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। समालखा के विधायक कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर की कोठी को ही, जो कि अवैध कॉलोनी के अंदर स्थित है, उसी कोठी को कॉलोनी बताकर पास कराने का फर्जीवाड़ा लोकायुक्त की कोर्ट में जो है मेरी शिकायत पर पर्दाफाश हो चुका है। वो जो फाइल थी जिसके अंदर इन्होंने पास किया था कॉलोनी को धर्म सिंह छोकर की कोठी को कॉलोनी बताकर वो फाइल ही बार बार ढूंढने पर नहीं मिल रही, वो लापता हो गई है। तो ये इस फर्जीवाड़े का पूरी तरह से प्रमाण है। और अभी उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो अब मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अर्बन लोकल बॉडी के, उन्होंने माननीय लोकायुक्त से 15 दिन की मोहलत मांगी है कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए। तो ये पूरी तरह से जो है कि फर्जीवाड़ा है। पहले तो अवैध कोठी को जो है जो कॉलोनी बताकर पास कर दिया, और फिर उसके बाद जब सारा ये खुलासा हुआ, ये भंडाफोड़ हुआ, तो जो है फाइल ही गायब कर दी गई।